क्या हो अगर कोई आपको एक बैंक में ले जाकर छोड़ दे और कहे कि अगले 1 घंटे में इस बैंक से जितना पैसा भर सकते हो भर लो और वो सारा पैसा फिर तुम्हारा। या फिर क्या हो अगर कोई आपको किसी बहुत बड़ी जमीन के सामने छोड़ दे कि 1 घंटे में जितनी जमीन भागकर या दौड़कर तुम तय कर सकते हो वो सारी जमीन तुम्हारी। तो क्या लगता है कितनी जमीन, कितना पैसा, कितनी दौलत आप उस कुछ वक्त में अपने लिए जुटा पाएंगे? यही है आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आप हैं इस वक्त स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। अपनी इस नई सीरीज में हम आपके लिए लाने जा रहे हैं एक से एक बेहतरीन क्लासिक स्टोरीज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज की ये पहली कहानी लियो टॉल्स्टॉय की बहुप्रसिद्ध टाइमलेस एपिक हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जहां एक घर में दो बहनें आपस में बात कर रही हैं। बात क्या कर रही हैं? ऑलमोस्ट झगड़ा कर रही हैं कि किसकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। तो इन दोनों बहनों में जो बड़े वाली है वो शहर में एक बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली की बहू है और जो छोटे वाली है वो गांव के एक साधारण से परिवार में ब्याही हुई लड़की है। अब दोनों इस बात पर बहस कर रहे हैं कि किसकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। बड़ी वाली कहती है कि हमारे पास सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ है जो किसी भी इंसान के पास होना चाहिए और इसलिए हम बेहतर हैं। लेकिन छोटे वाली का आर्ग्यूमेंट यह है कि तुम्हारे पास भले ही सब कुछ हो लेकिन यह सब कुछ किसी भी पल यूं चला जाता है, तो इसीलिए इस बात पर घमंड करना, इस पर ज्यादा इतराना अच्छी बात नहीं है। हम भले ही गांव में रहते हैं, एक बहुत सिंपल सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कुछ भी है हमें मालूम है कि हमारे पास हमेशा रहेगा। हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं। तो इनकी ये बहस चलती रहती है, ये बातें चलती रहती हैं और जिस घर में बैठकर ये बातें कर रही हैं और चाय पी रही हैं उस घर का मालिक, जो कि इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर भी है, पाहोम, पीछे कहीं चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और खुद को बहुत भाग्यशाली समझता है क्योंकि वो खुद एक किसान है। और जो छोटी बहन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके दिल को बहुत पसंद आते हैं कि वाकई में भले ही हम बहुत ज्यादा समृद्ध या अमीर नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास इतना काफी कुछ है कि हमारी पूरी जिंदगी आराम से बीत सकती है। और बस उसके अंदर की यही बात ऊपर बैठे किसी शक्ति को पसंद नहीं आती। उस शक्ति को यह लगता है, जो कि कहानी में डेविल के नाम से उसे बताया गया है, लियो टॉल्स्टॉय ने डेविल लिखा है उसे, कि डेविल हियर्स दिस एंड डिसाइड्स दैट पाहोम के अंदर वो बहुत कुछ पाने की इच्छा डाल देंगे और फिर वो देखेंगे क्या वाकई में पाहोम एक संतुष्ट इंसान है या नहीं। तो बस अब पाहोम की जिंदगी में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी उथल पुथल शुरू होती है। जिस गांव में पाहोम और भी बाकी लोग गांव के रहते हैं वहां ज्यादातर लोग किसान ही हैं और अपनी गायें, भैंसे, पशु चराने के लिए पास के खेतों में ले जाया करते थे। अब जिन खेतों में उन्हें वो ले जाया करते थे वो खेत एक बूढ़ी औरत के थे जो कुछ समय बाद एक रिटायर्ड आर्मी के फौजी को अपना स्टीवर्ड यानी सॉर्ट ऑफ बॉडीगार्ड या केयरटेकर रख लेती है टू इंश्योर कि कोई भी अननेसेसरी ट्रेसपासिंग ना करे मेरी इस जगह में। तो फौजी जिसे वो हायर करती है, जिसे वहां पर रखती है, जैसा हम जानते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही सख्त इंसान होता है और वो डिसाइड करता है कि अगर किसी के भी पशु, कोई भी गाय, भैंस, बकरी अगर हमारे खेतों में चरने के लिए आए तो मैं बहुत कड़ा जुर्माना उस इंसान पर लगाऊंगा। अब पूरे गांव के लोगों पर जुर्माने लगने लगते हैं, खासकर पाहोम पर, क्योंकि पाहोम के जानवरों को आदत होती है उन्हीं उसी तरफ के खेतों में जाकर चरने की। पाहोम बड़ा परेशान होता है और पाहोम के साथ साथ पूरा गांव परेशान हो जाता है कि इस तरह से अगर हम जुर्माना भरते रहे और अगर इसी तरह से ये जो केयर टेकर अगर ये यहीं पे रहा
तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बस वो डिसाइड करते हैं कि इस समस्या का कुछ हल निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्हें पता चलता है कि अब वो बूढ़ी औरत गांव से बाहर जाने वाली है और अपनी सारी जमीन गांव के ही एक दूसरे इंसान को बेचने वाली है, जो कि उस केयर टेकर, वो रिटायर्ड फौजी जो वहां पर था, उससे भी कई गुना ज्यादा सख्त और एकदम निर्दयी इंसान था। तो गांव वालों की हालत खराब हो जाती है कि अगर वाकई में ये डील हो गई तो हम कहीं के ना रहेंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि हम सभी मिलकर उस औरत के पास जाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज अपनी जो जमीन है वो हमें दे दें। पूरा गांव मिलकर उस जमीन को खरीदने का डिसीजन लेता है। लेकिन फिर जब वो वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि शायद सब कोई मिलकर इसे ना ले पाए, इसलिए सब अलग अलग उस जमीन को लेना शुरू कर देते हैं। और अब यहां पाहोम के अंदर इच्छा आती है कि मेरे पास भी अब जमीन होनी चाहिए। पाहोम अब तक जमींदार नहीं था, लेकिन अब बाकी सबको जमीन लेता देख उसके मन में भी इच्छा उठती है, और वो कहीं से इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके, रिश्तेदारों से पैसे मांग कर, अपने बेटे को नौकरी पे लगाकर, उसकी सैलरी एडवांस में लेकर और जितना भी उसके पास कुछ था उसे इकट्ठा कर किसी तरह 40 एकड़ जमीन ले लेता है। 40 एकड़ जमीन जिसकी पेमेंट 2 साल में कंप्लीट करने का उसे वक्त दिया जाता है। तो बस पाहोम क्योंकि एक मेहनती किसान था, जमीन में जुट जाता है, पूरी तरह से वहां पर अच्छी फसल उगाता है और 1 साल के अंदर अंदर उस जमीन की पूरी पेमेंट क्लियर कर देता है और जितने लोगों से उसने उधार लिया था, जो भी एडवांस पेमेंट्स ली थी, सबको वापस कर देता है और 40 एकड़ का जमींदार हो जाता है। उसका दिल बहुत खुश होता है जब वो ये जमीन देखता है। लेकिन जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में सुना, कोई है ऊपर, एक शक्ति है जो पाहोम की परीक्षा ले रही थी। इसी दौरान एक किसान पाहोम के घर के पास आता है और पाहोम से कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर रहा था, एक लंबा सफर तय करके आ रहा था। और पाहोम हमेशा की तरह, जैसे हमने कहानी के शुरुआत में भी देखा कि वो दोनों बहनें पाहोम के घर में चाय पी रही थी, मतलब वो भी कहीं से गुजर रही थी और वहां बैठकर उन्होंने चाय पीने का सोचा, तो पाहोम सभी लोगों के लिए बहुत वेलकमिंग था। तो इस किसान को भी पाहोम बुलाता है, उसकी आवभगत करता है, उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए नाश्ता देता है और उससे पूछता है कि वो कहां से आ रहा है। और वो उसे बताता है कि वो यहां से करीबन 200 मील दूर अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह खरीद कर आ रहा है। अब पाहोम क्योंकि जमींदार हो चुका था, उसके पास 40 एकड़ ऑलरेडी आ चुके थे, तो वो उससे पूछता है कि कितनी जमीन तुमने खरीद ली है। तो उसने बताया कि यहां से करीबन 200 मील दूर एक ऐसी जगह है जहां पर परिवार में हर मेल मेंबर के हिसाब से आपको 25 एकड़ जमीन कम्युनिटी प्रोवाइड करती है जो आपकी, और आप उस पर खेती करें, आप उस पर कुछ भी पैदावार करें, वो सब आपका। यह सुनकर पाहोम की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो उसके परिवार में और उसके साथ उसके 4 बेटे, यानी 125 एकड़ इस हिसाब से उसे आराम से मिल जाएगा। तो वो तुरंत उस किसान से पूछता है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो वो कहता है कुछ नहीं, तुम बस जाओ उनसे बात करो और वहां तुम्हारे परिवार के हिसाब से वो तुम्हें 25 एकड़ पर मेल मेंबर जमीन अलॉट कर देंगे। तो बस पाहोम मौसम थोड़ा सा सुधरते ही अपनी घोड़ा गाड़ी निकालता है और तुरंत निकल पड़ता है उसी जगह की ओर। वो जगह जाकर देखता है तो बहुत ही खूबसूरत जगह जहां पर बड़ी बड़ी फसलें लहरा रही थी, और पाहोम का दिल करता है कि अपना सब कुछ छोड़कर, बेचकर यहां आकर सेटल हो जाए। वो वहां के जागीरदारों से बात करता है, 125 एकड़ उसके पूरे परिवार को अलॉट कर दी जाती है और अपनी वो 40 एकड़ अपने गांव में बेचकर पाहोम अब आ जाता है इस नई जगह। पहले साल फसल की पैदावार इतनी ज्यादा होती है कि पाहोम की सोच से भी ज्यादा उसे मुनाफा होता है, और पाहोम अब इस जगह से पूरी तरह से प्यार करने लगता है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट कहानी में यह आता है कि जो इस जगह की जमीन थी उस पर 2-3 साल ही पैदावार बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके बाद जमीन की फर्टिलिटी, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती थी, जिसके लिए उसे कुछ वक्त तक खाली छोड़ना पड़ता था।
और उस दौरान आपको किराए पर जमीन लेकर काम करना पड़ता था। अब यह बात पाहोम को पहले नहीं पता थी, लेकिन फिर भी 125 एकड़ जमीन उसी की थी। उसने उसे छोड़कर फिर किराए पर जमीन लेकर खेती करना शुरू किया और ठीक ठाक उसका काम चल रहा था कि उसने अब डिसाइड किया कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, रेंट पर जमीन लेकर काम हो नहीं पाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसी जमीन जो हर साल अच्छी पैदावार उपजाए ऐसी जमीन खरीद लेनी चाहिए। और पास ही में उसे ऐसी जमीन मिल जाती है और डील तय होती है 1500 रूबल में 1300 एकड़ जमीन। रूबल रशिया की फॉर्मल करेंसी है, आज भी अगर आप देखें तो रूबल और रुपी ऑलमोस्ट एक सिमिलर प्राइस लेवल पर चलते हैं। मतलब अगर हम आज की बात करें तो शायद 83 या 84 पैसे का एक रूबल है, मतलब जो हमारा रुपी है, रुपया है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रूबल। और ये कहानी है सन 1886 की, तो हम समझ सकते हैं कि उस वक्त में 1500 रूबल की क्या कीमत रही होगी। तो 1500 रूबल में 1300 एकड़ की बहुत खूबसूरत जमीन पाहोम को मिल जाती है और वो पेमेंट करने ही वाला होता है कि कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि एक शाम पाहोम के घर के बाहर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक व्यक्ति उतरता है और पाहोम से रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसके घोड़े को कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है। पाहोम जैसा कि हमेशा से ही वो रहा है, वो तुरंत एकदम ताजी घास और पानी घोड़े को देता है और उस व्यक्ति को अंदर इन्वाइट करता है चाय के कप के लिए। दोनों बैठकर चाय पीना शुरू करते हैं और पाहोम एज ऑलवेज उससे पूछता है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कौन हैं, कैसे यहां से गुजरना हुआ। तो व्यक्ति पाहोम को बताता है कि मैं पास ही के गांव में एक किसान हूं, लेकिन अब बहुत जल्द मैं यहां से शिफ्ट करने वाला हूं क्योंकि यहां से करीबन 200-250 मील दूर वोल्गा नदी के पास यूरल की जो पहाड़ियां हैं उनके पास एक बहुत खूबसूरत जमीन मुझे मिल गई है। पाहोम की फिर से आंखें खुल जाती हैं जब उसे पता चलता है कि कोई इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है जहां से व्यक्ति जमीन खरीद कर आ रहा है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों में कितनी जमीन मिली है। तो व्यक्ति पाहोम को बताता है कि मुझे 1000 रूबल में 13000 एकड़ जमीन मिली है। पाहोम की आंखें इस बार खुल नहीं, फट जाती हैं ये सोचकर कि 1000 रूबल में 13000 एकड़ जमीन कैसे मिल सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1500 रूबल में उसे यहां 1300 एकड़ जमीन मिल रही थी। पाहोम इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन फिर वह व्यक्ति उसे बताता है कि वहां बहुत सारी उपजाऊ जमीन है। अगर आप रशिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो यूरल माउंटेन्स की इस कहानी में बात की गई है, ये यूरल माउंटेन्स या यूरल की जो पहाड़ियां हैं ये पूरे रशिया में नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करती हैं। पूरे रशिया को यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया जैसा कि कॉमनली जाना जाता है उसमें डिवाइड करती हैं। और जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी कहीं बीच से शुरू होती है रशिया के और उसके साउथ में आकर कैस्पियन सी में निकल जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, 3500 किलोमीटर तक फैली हुई नदी। तो ऐसी नदी और ऐसी पहाड़ियों के बीच की जो जमीन है वो बशकीरों की जमीन थी। तो बशकीर, अगर आप बशकीरों के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे तो बशकीर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है रशिया में जिन्होंने बाद में 1917 में आकर अपना एक अलग बशकीरोस्तान बनाया। लेकिन जब ये कहानी लिखी गई होगी ऑफकोर्स तब बशकीरोस्तान नहीं रहा होगा। तो बशकीर बहुत ही आराम से, सहजता से, चिल्ड आउट जीवन जीने वाले लोग इस कहानी में दिखाए गए हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो बशकीरों की पॉपुलेशन रशिया में करीबन 15-16 लाख के आसपास होगी। तो बशकीरों की ये जमीन थी जो व्यक्ति खरीद कर आ रहा था 1000 रूबल में 13000 एकड़। तो पाहोम उससे जब पूछता है कि मुझे क्या करना होगा इतनी जमीन लेने के लिए, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वहां बशकीर हैं, बहुत आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, उन्हें बस जाकर कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स में मतलब अच्छी चाय, शॉल, बढ़िया फर कोट, कारपेट वगैरह उनको देना
और वो तुमसे खुश हो जाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कहना कि मुझे आपकी जमीन में बहुत इंटरेस्ट है और आपकी जमीन मुझे लेनी है। तो बस पहोम अब बिना किसी देरी के अपनी अगले ही दिन अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करता है और निकल जाता है बशकीरों की उस बस्ती की तरफ। रास्ते में वो सारे गिफ्ट्स जो उसे बताए गए थे, कारपेट्स, फर कोट्स, अच्छे कपड़े, अच्छी वाइन, चाय पत्ती, सब कुछ वो लेकर बशकीरों की बस्ती में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि वाकई में कितनी खूबसूरत जगह है। आप सोचिए, एक तरफ वोल्गा नदी, एक तरफ यूरल की पहाड़ियां, बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी खूबसूरत वो जगह होगी और बेहद उपजाऊ भी। तो बस जब पहोम ये सब गिफ्ट्स लेकर बशकीरों के पास पहुंचता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी खूब आवभगत करते हैं, उसे बैठते ही बढ़िया खाना खिलाते हैं, अच्छी वाइन पिलाते हैं। कमिस एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है रशिया की या बशकीरों की, वो उसे ऑफर की जाती है और खूब उसका बढ़िया सम्मान करते हैं। और फिर फाइनली उससे पूछते हैं कि आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो पहोम, जैसा कि वो सोचकर आया ही था, उनसे कहता है कि देखिए, मुझे आपकी जगह बहुत पसंद आई है, आपकी ज़मीन बहुत ही खूबसूरत है और उपजाऊ भी है, तो मैं आपकी ज़मीन लेना चाहूँगा। ये सुनते ही सभी बशकीर, वहाँ जितने भी बशकीर बैठे होते हैं, वो सब आपस में हंसने लगते हैं, कुछ मजाक करने लगते हैं। पहोम को समझ में नहीं आता। वैसे वहां पर एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है जो कि बशकीरों की बातें और पहोम की जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसलेट करने में, उसे एक्सचेंज करने में वहां उसकी सहायता कर रहा होता है, क्योंकि बशकीरों की जो भाषा है वो नेटिव रशियन भाषा नहीं है, वो एक अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसलेटर भले ही वहां होता है, लेकिन जब वो आपस में मजाक करते हैं या कुछ हंसी की बात वहां होती है तो उसमें ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट नहीं करता। और इससे पहले कि पहोम इसके बारे में कुछ पूछ पाता, इतने में ही बशकीरों का सरदार, जो देखते ही आप बता सकते हैं कि वाकई में सरदार होगा, वो उस टेंट के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि कुछ हंसी मजाक चल रहा है, एक कोई अनजाना आदमी यहां बैठा है और काफी सारे गिफ्ट्स रखे हैं। तो वो वहां आकर बैठता है और पूछता है सबसे कि क्या बात है, किस बारे में बात चल रही है, ये कौन है? तो सब बताते हैं कि ये हमारे लिए काफी गिफ्ट्स लेकर आए हैं और ये हमारी जमीन में काफी इंटरेस्टेड हैं। तो सरदार, वैसे जो अब तक काफी रुबाब से और रौब से बात कर रहे होते हैं, एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है और वो पहोम से कहते हैं कि आपका स्वागत है, हमारी जमीन बहुत खूबसूरत भी है, उपजाऊ भी है और बहुत ज्यादा भी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप जितनी जमीन चाहें उतनी जमीन ले। पहोम ये बात सुनकर घबरा जाता है कि जितनी जमीन चाहें उतनी जमीन ले, तो मतलब ऐसा तो कभी उसने लाइफ में सुना ही नहीं था। तो कहता है कि देखिए, मैं चाहता हूं कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होकर, पेपर वर्क के साथ मुझे जमीन दी जाए। तो जो बशकीरों के सरदार हैं वो कहते हैं कि भाई बिल्कुल, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरी लीगल तरीके से जमीन मिलेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। तो पहोम के मन में उत्सुकता जागती है कि आप मुझे बताएं फिर कितने पैसों में कितनी जमीन का हिसाब है आपका। तो सरदार कहता है कि हिसाब हमारा बहुत सिंपल है, एक दिन का 1,000 रूबल। अब पहोम फिर घबरा जाता है, अब थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि अब तक जितनी भी उसने जमीन की डील्स या ट्रांजैक्शन सुनी थी वो पर एकड़ में, पर स्क्वायर मीटर में, उस हिसाब से सुनी थी, लेकिन 1,000 रूबल पर डे, ये तो पहली बार उसके जीवन में हो रहा था। तो पूछता है कि मैं समझा नहीं, मतलब 1,000 रूबल एक दिन का मतलब? तो सरदार उसे समझाते हैं कि देखिए, हमारी जितनी भी जमीन है आपको एक दिन दिया जाएगा, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। इस टाइम फ्रेम में आप दौड़कर जितनी जमीन कवर कर लें वो जमीन आपकी। पहोम के वाकई में कबूतर उड़ जाते हैं कि क्या वाकई में कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि अपनी जमीन एक दिन के हिसाब से आपको दौड़ा कर दे दे। तो पहोम कहता है, वाकई में क्या मतलब यही है कि हाँ यही हिसाब है हमारा, 1,000 रूबल एक दिन का, लेकिन बस शर्त एक है कि आप जहां से शुरू करेंगे सूर्यास्त होने तक, सूरज ढलने तक, आपको उसी पॉइंट पर वापस आना होगा।
अगर आप वहां वापस नहीं आ पाए तो आपके 1000 रूबल गए और फिर आपको जीवन में कभी भी यह दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पाहोम इस शर्त को ज्यादा गहराई से सोचता नहीं है क्योंकि अब तक वो सिर्फ इस बात पर अटका होता है कि एक दिन में जितना वो दौड़ेगा वो सारी जमीन उसकी। ये विचार वो अपने मन में लेकर वहां से निकलता है। उसे बहुत ही एक अच्छे टेंट में ठहराया जाता है जो बहुत ही गर्म बहुत ही कोजी होता है, लेकिन रात भर बेचारा सो नहीं पाता क्योंकि मन में यही ख्याल कि अब इतनी सारी जमीन मेरे पास आने वाली है, कल मैं इतनी बड़ी जमीन का जमींदार बन जाऊंगा, ये ख्याल उसे सोने नहीं देता। किसी तरह उसे सुबह जाकर थोड़ी सी नींद आती है और फिर जैसे ही सूरज निकलता है, बस निकलने की कगार पर ही होता है कि वो तुरंत भागकर अपनी घोड़ा गाड़ी में पहुंचता है और वहां जो उसका हेल्पर होता है उसे कहता है कि सारे बशकीरों को बुलाकर लाओ, अब चलने का वक्त आ गया है। तो उसका हेल्पर सभी को बुलाकर लाता है और वो सब निकल पड़ते हैं जमीन की तरफ। वो पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी के ऊपर जहां से उन्हें पूरी जमीन बहुत साफ दिख रही होती है। पाहोम गदगद हो उठता है उस जमीन को देखकर, उसकी फसलों को देखकर, उसके विस्तार को, उसके साइज को देखकर, और वो डिसाइड करता है कि आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज और सबसे बड़ी दौड़ दौड़ूंगा क्योंकि इसके बाद, आज के बाद ये दौड़ने की भागने की सारी मशक्कत की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। और बस सूर्योदय के साथ ही पाहोम जिस जगह पर खड़ा होता है वहां एक झंडा गाड़ा जाता है। बशकीरों का सरदार और सभी बशकीर जो वहां इकट्ठे होते हैं वो एक झंडा वहां गाड़ते हैं, पाहोम को गुड लक विश करते हैं और कहते हैं कि अब जितना तुम भाग सकते हो, जितना तुम एरिया कवर कर सकते हो, वो सारी जमीन तुम्हारी होने वाली है, बशर्ते जैसा हमने पहले भी तुम्हें बताया है कि सूरज ढलने तक, मतलब शाम होने से पहले तुम्हें इसी स्पॉट पर वापस आना होगा। और बस वहां से शुरू होती है पाहोम की दौड़। तो पाहोम अपने साथ अपनी पॉकेट्स में थोड़ा सा खाना पानी सब बांध लेता है और साथ में एक फावड़ा भी ले लेता है जिससे कि वो जहां भी पहुंचे और जहां से टर्न ले वो फावड़े से थोड़ा खोद कर वहां मार्क कर दे कि ये जमीन उसकी है। तो पाहोम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करता है कि वो जमीन लेगा बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। वो डिसाइड करता है कि पहले वो 10 मील जाएगा बिल्कुल सीधा, फिर बाएं मुड़ेगा, फिर 10 मील, फिर 10, फिर 10, और एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। और वो शुरू करता है दौड़ बहुत तेजी के साथ क्योंकि उसे मालूम होता है कि सुबह का वक्त है, गर्मी उतनी ज्यादा है नहीं, तो जितनी भी एनर्जी है सुबह यूज कर ली जाए। तो तेजी से भागकर दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते अपने निर्धारित पॉइंट 10 मील जहां जाकर उसे लेफ्ट में शुरू करना होता है वहां पहुंच जाता है करीबन 2 से 2.5 घंटे में। और फिर वहां से दौड़ शुरू करता है बिल्कुल दूसरे साइड को बनाने की, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। पाहोम की हिम्मत भी धीरे धीरे थोड़ी सी कम होने लगती है। तो वो एक जगह पहुंचकर डिसाइड करता है कि अब वो थोड़ा सा खाना खाएगा, थोड़ा पानी पिएगा और फिर दोबारा दौड़ना शुरू करेगा। वो फिर दौड़ता है, लगातार दौड़ता चला जाता है और करीबन 8 मील पहुंचने के बाद इस दूसरी साइड के अब उसकी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है और अब सूरज बिल्कुल उसके सर के ऊपर आने लगता है। और अब उसे समझ में आने लगता है कि जिस स्पीड से मैं भाग रहा हूं और जितनी अब मेरे अंदर हिम्मत बची है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना अब मेरे बस की बात है नहीं। तो बस वो उस साइड को करीबन 8वें मील से ही छोड़ता है और डिसाइड करता है कि वो अब एक स्क्वायर बनाने की जितनी भी जमीन कवर हो पाएगी वो कवर करते हुए वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह अभी भी उसके अंदर होती है, इसलिए वो थोड़ा सा अपना डिस्टेंस कट करके फिर से सीधा भागना शुरू करता है, फिर दौड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन वो कवर कर पाए।
और अगले करीबन 1.5-2 घंटे दौड़ने के बाद अब उसे पसीने, चक्कर, बदहवासी सब कुछ आने लगता है। वो डिसाइड करता है वो फिर थोड़ा सा बैठेगा, कुछ खाएगा, पानी पिएगा और फिर धीरे धीरे अपनी दौड़ शुरू करेगा। बची कुछ ही हिम्मत के साथ वो फिर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जिस हिम्मत के साथ अब वो आगे बढ़ रहा होता है उसे समझ में आने लगता है कि वापस उसी पॉइंट पर पहुंचना अब नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जीवन में एक ही बार मिलने वाले इस मौके को वो खोना नहीं चाहता। वो भागता है पूरी हिम्मत के साथ और भागता है और कुछ मील आगे पहुंचकर अब उसे वो पहाड़ी, वो सारे बशकीर और वो अपना हेल्पर और वो झंडा दिखने लगता है। उसके मन में बहुत सारी उम्मीद आ जाती है कि हाँ वाकई में अब क्योंकि वो मुझे दिखने लगे हैं तो अब मैं पा लूंगा। लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ वो देखता है कि सूरज अब धीरे धीरे ढलने की ओर बढ़ चुका है। तो बस अभी आखिरी स्ट्रेच वो डिसाइड करता है कि वो बिना रुके अपने शरीर के कण कण की ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो स्ट्रेच कवर करेगा और वो भागता है पूरी जान के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ। वो दौड़ता है, वो दौड़ता है, वो और दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते फाइनली वो उस पहाड़ी के पास पहुंचने लगता है कि अचानक से उसे दिखता है कि सूरज ढल गया। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि अब भी सारे बशकीर और उसका हेल्पर उसे चीयर कर रहे होते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं। तो उसे समझ में आता है कि भले ही शायद मुझे यहाँ थोड़ा नीचे से सूरज ढलता हुआ दिख रहा हो लेकिन उन्हें शायद वहां से अभी भी दिख रहा है तो सूरज ढला नहीं है। और फिर पहाड़ी के ऊपर का रास्ता वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपने शरीर की पूरी जान के साथ भागता है, अपना सब कुछ उस आखिर दौड़ में वो झोंक देता है और फाइनली उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और तुरंत निढाल होकर, बदहवास होकर गिर जाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं, खूब नाचते हैं, पाहोम की वाहवा करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन जब कुछ वक्त तक पाहोम उसी तरह से पड़ा रहता है तो उसके हेल्पर को थोड़ा सा डर लगता है। वो उसके पास जाकर उसे उठाकर देखता है तो उसे दिखता है कि पाहोम के मुंह से खून की एक धार बह रही थी और उसकी सांस खत्म हो चुकी थी। सभी लोग कोशिश करते हैं पाहोम को वापस लाने की, अगर कहीं उसमें कोई जान बची हो उसे वापस जिंदा करने की, लेकिन पाहोम अलविदा कह जाता है। और अंत में जो जमीन वाकई में उसके हाथ आती है उसका साइज होता है 6 फीट, उसकी कब्र। लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी उनकी बहुत सारी खूबसूरत कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ है इस लिहाज से कि ये शायद एक इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बताती है कि अंत में वाकई में कितना कुछ हाथ में आना है। कैफी आजमी साहब का शेर भी है कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन हां, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, यह सवाल 1886 में भी वैलिड था और आज भी वैलिड है और हमेशा वैलिड रहेगा। जब तक इंसान इस धरती पर है वैलिड रहेगा और इसका जवाब एक इंसान सिर्फ अपने आप को दे सकता है, दैट हाउ मच लैंड। एंड हियर लैंड ओनली डजंट मीन लैंड, इट मीन्स ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जितना भी पैसा, धन, दौलत, जमीन, ऐशो आराम हम चाहते हैं, अल्टीमेटली कितना है जिसे हम कह सके कि हां इतना काफी है। यह कहानी
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम्स है। जेम्स जॉयस जैसे बड़े राइटर ने अपनी बेटी को खत में लिखा था कि मेरी जिंदगी की अब तक की पढ़ी सुनी और मेरी खुद की लिखी कहानियों में से हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लियो टॉल्स्टॉय अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनके काम से आगे चलकर महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, लुडविग वाइंस्टाइन जैसे बहुत प्रभावशाली लोग प्रभावित हुए। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिससे कि हम इस तरह की एक से एक क्लासिक स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।